वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। उसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बाउल क्रीम, मसालों में लिया है नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा, 3 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप, 2 मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप, थोड़े से काजू बटर। सबसे पहले हम चिकन में हाफ मिर्चे ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है और 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी पैन में हमने थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अब टमाटर ऐड करेंगे। काजू लहसुन अदरक का पेस्ट अब सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। और जब तक पकाएंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, गैस ऑफ कर देंगे, ठंडा कर कर पीस लेंगे। हमने मिक्सी में इसको पीस लिया था और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया था। अब हमने इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे।
और 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमारे चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। और 1-2 मिनट और पकने देंगे। हमारा बटर चिकन तैयार है सर्व करने के लिए, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमने अपने बटर चिकन को डिश आउट कर लिया है, इसको नान चपाती के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।